फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है कल, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। हमने उसका मीनिंग और उसका प्रोसेस लास्ट क्लास में समझ लिया था। आज हम उसके करेंगे इम्पोर्टेंस। टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का कल आपको मतलब बताया था, प्रोसेस में भी हमने समझा। जब हम काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें और हर काम एक डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें और हर एक को बताएं कि उसका काम क्या है, जिससे कि सारा काम कैसे हो सके, एक बेस्ट पॉसिबल मैनर में हो सके। आप देखें, जब हम काम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक काम एक डिपार्टमेंट को दे देते हैं और वो वही काम बार बार करता है, तो उससे सबसे पहला फायदा होता है हमें, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। वो वही काम बार बार कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, बार बार परचेज करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन करता रहेगा, तो वो उस काम में क्या हो जाएगा, एक स्पेशलाइज हो जाता है। देखो क्या लिखते हैं, अंडर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द एक्टिविटीज आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस वर्क्स और जॉब्स। फॉर ऑल सब वर्क कॉम्पिटेंट पीपल आर अपॉइंटेड हु बिकम एक्सपर्ट बाय डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब अगेन एंड अगेन। वो वही काम बार बार करके क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। इन दिस वे मैक्सिमम वर्क इज अकम्प्लिश्ड विद इन द मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम आप कर पाते हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। आपको कल बताया था कि जब हमने एक ऑर्गेनाइजिंग के काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लाइक प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, सेल्स। मैंने क्या कहा था, मार्केटिंग वाले ने एडवर्टाइज किया, ऑर्डर किसके पास आया, सेल्स वाले ने प्रोडक्शन वाले को कहा कि भैया ऑर्डर आ गया, प्रोडक्शन स्टार्ट करें। प्रोडक्शन वाले ने परचेज वाले को कहा कि भैया मुझे प्रोडक्शन करनी है, आप परचेज करके लेके आए रॉ मटेरियल। तो ये सब आपस में इनका वर्किंग रिलेशनशिप सबको पता है कि किसने किसको रिपोर्ट करना है। तो यही है सेकंड बेनिफिट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। देखो क्या लिखते हैं, अंडर ऑर्गेनाइजिंग क्लेरिफाइज द वर्किंग रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉइज। क्या क्लेरिफाई करता है कि किसका क्या वर्किंग रिलेशन है। इट स्पेसिफाई हु हैज टू रिपोर्ट टू हूम, देयरफॉर कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव। इससे हमारा कम्युनिकेशन कैसा हो जाता है, इफेक्टिव, क्योंकि हमें पता है कि हमें किसने किसको रिपोर्ट करना है। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। इससे हम क्या फिक्स कर सकते हैं कि कौन जिम्मेदार है किस काम के लिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना इजी है। क्लियर। थर्ड बेनिफिट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक बात बताएं, जब हमने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पर्सन वही काम बार बार करके स्पेशलाइज हो चुका है, क्या वो रिसोर्सेज का वेस्टेज होने देगा? आप एक ही काम बार बार कर रहे हैं और आप उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्या रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा? नहीं, नो। तो देखो क्या लिखते हैं, अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंटायर वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एक्टिविटी। सारा काम स्मॉल एक्टिविटीज में डिवाइड हो चुका है। देयर आर डिफरेंट एम्प्लॉइज परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब। हर इंसान अपना काम कर रहा है, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एक्टिविटी बीइंग लेफ्ट आउट। तो कोई भी एक्टिविटी छूटने का कोई मतलब नहीं है। सो देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हम रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। क्लियर, तीनों बेनिफिट समझ आए। फोर्थ बेनिफिट इज अडॉप्शन टू चेंज। अडॉप्शन टू चेंज यानी कि किसी भी चीज को चेंज करना इसमें आसान होगा या नहीं। देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है और हमें लगा क्वालिटी चेंज करनी चाहिए, तो हम सिंपल सी बात किसे बोलने वाले, प्रोडक्शन वाले को। और प्रोडक्शन वाले को लगा कि मेरी गलती नहीं है, तो वो किसे कहने वाला है, परचेज वाले को, भाई मटेरियल सही लेके आओ। तो आप चेंजेस को बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। देखो क्या लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज द बिजनेस एंटरप्राइज टू ब्रिंग चेंज इन एवरी लेवल, एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल में वो चेंजेस ला सकते हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन।
इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है बेटा? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कंट्रोल। क्या कंट्रोल लगाना इजी हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग में या मुश्किल हो जाएगा? इजी हो जाएगा। कैसे? देखें अच्छे से, कंट्रोल कैसे लगता है जब हमने इसको काम क्या दिया, प्रोडक्शन। इस डिपार्टमेंट में जितने भी इंप्लॉइज होंगे उसको कंट्रोल कौन करेगा? प्रोडक्शन मैनेजर। तो उसके नीचे कितने इंप्लॉइज होंगे? 5-7-10 लोग। परचेज वाला अपने इंप्लॉइज को कंट्रोल करेगा, तो कंट्रोल अच्छा हो जाएगा या बेकार हो जाएगा? क्योंकि हर मैनेजर को अपने अपने डिपार्टमेंट के सेलेक्टेड इंप्लॉइज को कंट्रोल करना है। तो इसलिए लिखा है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो क्या लिखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज। ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड करता है? क्लियर डिस्क्रिप्शन देता है कि किसकी क्या जॉब है, क्या उसकी ड्यूटी है। दिस हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। इससे क्या होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता और कोई डुप्लीकेशन नहीं होता, फुल स्टॉप। सो मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज बिकम्स इजी एंड दिस ब्रिंग्स इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या होता है, काम को मैनेज करना इजी हो जाता है और काम अच्छे से कंट्रोल हो सकता है। 5 पॉइंट समझ आए। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। बेटा ध्यान से समझना, अगर मैंने काम को ऑर्गेनाइज कर लिया छोटे छोटे पार्ट्स में, क्या बिजनेस को एक्सपेंशन होगी या नहीं होगी? कैसे होगी एक्सपेंशन या ग्रोथ, ध्यान से समझना। काम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हम उस काम को स्पेशलाइज मैनर में कर रहे हैं, क्योंकि हर काम एक एक्सपोर्ट कर रहा है, वो स्पेशलाइज हो चुका है और वो रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होने दे रहा, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी? ऑब्वियसली। देखो क्या लिखते हैं, विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिपार्टमेंटेशन, कंपनी कैन इजिली मीट द चैलेंजेस एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज इन अ प्लान्ड मैनर। आप अपनी एक्टिविटी को बहुत इजिली एक्सपैंड कर सकते हैं एक प्लान्ड मैनर में। इज इट ओके? लास्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स। पर्सनल मीन्स इंप्लॉइज। मुझे बताएं क्या इंप्लॉइज की डेवलपमेंट होती है या नहीं? कैसे होती है? देखो परचेज डिपार्टमेंट में जितने भी इंप्लॉइज हैं वो परचेज कर रहे हैं, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्टाइज बन जाएंगे, जिनसे उनकी फ्यूचर में ग्रोथ होना कंफर्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें एक फील्ड की कंप्लीट नॉलेज हो जाती है। देखो क्या लिखते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन मतलब ट्रांसफर, अथॉरिटी मतलब पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सीनियर अपना काम, अपनी पावर जूनियर को दे देता है, और इससे बाय डेलीगेटिंग द रूटीन वर्क मैनेजर कैन कॉन्सेंट्रेट टू डेवलप न्यू मेथड एंड वेज ऑफ डूइंग द जॉब। मैनेजर क्या होता है, रूटीन वर्क से फ्री हो जाता है और वो नया काम करने का तरीका ढूंढ पाता है, जिससे कि हर इंप्लॉय की डेवलपमेंट होती है। वर्कर को सीनियर लेवल का काम मिलता है और सीनियर को नया काम सीखने का मौका मिल जाता है, क्लियर? तो इससे सबकी डेवलपमेंट होती है। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस हम याद कर लेते हैं एक बार, बहुत सिंपल सी हेडिंग है इसकी, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बनाई हुई है, ओ ऑर्गेनाइजिंग की पहली एस। बेटा यहां पे आप सब जानते हैं, इसके आगे मैंने एक वर्ड ऐड किया हुआ है, वो यहां पे यूज नहीं कर सकता वीडियो में, ए सी डी। वैसे हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो एक रिश्ता भी कहलाता है हिंदी में। शादी के बाद आपकी घरवाली का भाई जो होता है वो कौन होता है? तो हम कह सकते हैं अपने साले को, क्या कह रहे हैं कि भैया और कुछ देना दे, एक एसी जरूर दे दियो। ओ साले एसी दे। ई का स्क्वायर है। ओ स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यस, इधर ध्यान देंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस वर्ड में सिर्फ एस यूज हो रहा है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। एस का मतलब बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ए स्टैंड्स फॉर अडॉप्शन टू चेंज, अडॉप्शन टू चेंज। सी से है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, क्लैरिटी इन वर्किंग। चार हो गई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, अडॉप्शन टू चेंज, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप।
डी स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ई स्क्वायर है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ये आप हेडिंग याद कर लेंगे। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे बिकॉज वी हैव टेस्ट। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।